हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार फिर एक बार आप सबों के लिए लेकर आए हैं शक्ति उत्पादन चैप्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शक्ति का जो उत्पादन होता है वो आज बड़े पैमाने पर हो रहा है, और शक्ति उत्पादन के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा है क्या, ऊर्जा किस प्रकार से काम करता है। तो ऊर्जा के अगर हम जाने तो ऊर्जा जो है कहता है ना कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने के लिए तैयार करता है, यानी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने योग्य बनाता है उसे ऊर्जा कहते हैं। यानी हम सटीक भाषा में समझ सकते हैं कि ऊर्जा के बिना कोई भी पदार्थ कार्य भी नहीं कर सकता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति जो होता है ना, शक्ति इसका हम लोग जो अपव्यय करते हैं, शक्ति का जो प्रयोग करते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही हाथ होता है। यानी ऊर्जा के माध्यम से ही शक्ति का उत्पत्ति किया जा सकता है। यानी शक्ति उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा बहुमूल्य है। तो ऊर्जा जो होते हैं वो हमारे हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के बिना अगर हमारा जीवन जी पाना असंभव है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक रसोई घर से यानी लेकर के बड़े से बड़े लैब को भी अगर देखा जाए या इसरो आदि किसी को भी देखा जाए तो हर जगह ऊर्जा की जरूरत है। जैसे आप घर में देखते हैं टेलीविज़न, फ्रिज, प्रेस आदि, ये सारे उपकरण जो हमारे घर में ऊर्जा से चलने वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कल कारखानों में जो भी मोटर होते हैं वो ऊर्जा से चलने वाली है। ठीक इसी प्रकार से छोटे छोटे यंत्र जो डिवाइस, मोबाइल आदि जो भी चीज़ होते हैं सब ऊर्जा से चलने वाले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के बिना आज जीवन जी पाना असंभव जैसा लगता है। मतलब ऊर्जा ही हमारे जीवन को जीने योग्य और जीने में सरलता प्रदान करता है। तो ऊर्जा जो होता है यह दो प्रकार के होता है। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो हम लोग जानते हैं उसको जानते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा, और दूसरा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो गैर परंपरागत का जो ऊर्जा होता है इसको जानते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा कहां और कितना है। तो वह ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो असीमित मात्रा में, कोई सीमित है ही नहीं, कितना उसका निश्चित भंडारण है ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि यह ऊर्जा है और इसका एक निश्चित भंडारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो वैसा ऊर्जा जो असीमित मात्रा में है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से ऊर्जा आते हैं, जैसे भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत उन देशों में शामिल है जो बहुत पहले से ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी देशों में आज भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भारत में पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश यहाँ पर मिलते हैं, नदी है, सरोवर है, ये सारी है, पवन भी कहीं कहीं पर आपको, पवन की रफ्तार जो होना चाहिए पवन ऊर्जा के लिए मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी भारत के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए भारत में इन सभी ऊर्जाओं को नियमित रूप से उपयोग में लाया जा चुका है। अब हम लोग समझते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वह होता है जिसका भंडारण सीमित है और जिसे अगर हम अंधाधुंध उपयोग करें, ज्यादा प्रयोग करें, तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं।
दूसरी चीज है, अब हम इन दोनों को थोड़ा सा अगर हम देखें तो अंतर समझ में आएगा कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या फर्क है। आखिर हम गैर परंपरागत का ज्यादा हमें प्रयोग क्यों करना चाहिए और परंपरागत का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम बताए कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है वो अगर हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला। आपको भी पता है कि कोयले का सीमित भंडारण कहीं ना कहीं, अगर हम ज्यादा प्रयोग करने लगे कोयले का तो यह एक दिन समाप्त हो सकता है। दूसरी चीज है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जितने भी ऊर्जा आते हैं या जो होता है यह पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पर्यावरण को में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं या इको फ्रेंडली होते हैं, यानी पर्यावरण का मित्र कहा जा सकता है, पर्यावरण का हितैषी होता है, यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसमें प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। अगर कुछ परसेंट यानी 0% अगर इसमें प्रदूषण है भी तो उसको हम लोग नगण्य मानते हैं और उसे मेंटेन किया जा सकता है, पेड़ पौधे के माध्यम से उसे फिर से संतुलित किया जा सकता है। परंतु परंपरागत स्रोत में जितने भी ऊर्जा आते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब में जो है ना दुनिया भर का केवल प्रदूषण ही प्रदूषण है। दूसरी चीज है कि यह इको फ्रेंडली नहीं है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाते हैं और अगर हम देखें तो पर्यावरण को प्रदूषण के साथ साथ इनका एक डर सा है कि यह एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए हमें जितना भी हो सके हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह असीमित मात्रा में है। जैसे भूतापीय ऊर्जा या भूमि के अंदर का एक ऊर्जा है जो भूमि के ऊपरी सतह से समथिंग 1.5 किलोमीटर के अंदर में पाए जाते हैं, लेकिन यह हर जगह प्रयोग में ला पाना संभव नहीं है। तो ये ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां जमीन के ऊपरी सतह से नजदीक में भूतापीय ऊर्जा हो, यानी 1.5 किलोमीटर से ऊपर, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अगले क्लास में सबको बारी बारी से देखेंगे, भूतापीय ऊर्जा को, जल ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, बायोगैस ऊर्जा को और ज्वारीय ऊर्जा को। लेकिन आज हम लोग केवल इतना ही जाने कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत में कौन कौन आते हैं और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन आते हैं और दोनों में क्या फर्क है, हमें कौन से ऊर्जा का प्रयोग ज्यादातर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऊर्जा का तो जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा दैनिक जीवन का एक दिनचर्या बन चुका है, यहाँ हर दिन हर समय हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में अध्ययन करें, उनको जानें और इसे अधिक से अधिक प्रयोग में लाने की कोशिश करें, क्योंकि यह जो है यह इको फ्रेंडली ऊर्जा होता है जो पर्यावरण का एक मित्र होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी कुछ टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।